Hey guys, welcome to my YouTube channel. And before starting this video, like, share, subscribe, comment, follow me on khurana, Instagram and Facebook, and also visit my website. Links are given in the description below, so check it out. Okay, so aaj baat karenge MBBS first year kaun si books use karni hai, okay, and for getting a better knowledge and for understanding. Okay, so usme aate hai teen subject, first MBBS first year three subject, anatomy, physiology and biochemistry. सो एनाटॉमी के अंदर जनरल एनाटॉमी, ग्रोस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड जीनेटिक्स. सो बात करते हैं पहले जनरल एनाटॉमी. जनरल एनाटॉमी के अंदर आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग विश्राम सिंह एंड BDC. दोनों की दोनों ही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. ओके, और जनरल मतलब ऐसे बेसिक है, कौन से टाइप्स होते हैं, जॉइंट, बोन्स, ओके, आर्टरीज, फिर स्किन, वो सब पढ़ना है, तो दोनों के दोनों ही बुक आप पढ़ सकते हैं. नाउ ग्रोस एनाटॉमी. ग्रोस एनाटॉमी क्या है कि पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक अपर लिम, लोअर लिम, थॉरेक्स, एब्डोमेन एंड न्यूरो एनाटॉमी. सो उसमें भी आप विश्राम सिंह एंड BDC दोनों ही बुक यूज़ कर सकते हैं. ओके, विश्राम सिंह के अंदर क्या है, थोड़े डायग्राम्स अच्छे दिए हुए, तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम से. एंड BDC के अंदर MCQs दिए हुए, पीछे क्वेश्चंस दिए हुए कुछ. ओके, उसमें दोनों की दोनों ही बुक अच्छी है, आप परचेज करके यूज़ कर सकते हो. हाँ, न्यूरो एनाटॉमी के अंदर आप विश्राम सिंह पढ़े तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें ना ऐसे क्लिनिकल और वो सब ऐसे पॉइंट वाइज अच्छे से दिया हुआ है, तो न्यूरो एनाटॉमी में विश्राम सिंह ही पढ़ना है. ओके, और बाकी सब में तो आप विश्राम सिंह, BDC कोई भी पढ़ो, सेम ही चीज़ है. ओके, नाउ यस, जनरल एंड ग्रोस कदम एंड हया एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपको कौन सी बुक पढ़नी है, सो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपको विश्राम सिंह पढ़नी है. बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, डायग्राम्स भी अच्छे से दिए हुए हैं. ओके, क्लिनिकल और वो सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, तो उसमें विश्राम सिंह एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है. ओके, नाउ हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी के लिए क्या है, इंद्रबीर सिंह, IB सिंह, हिस्टोलॉजी बुक पढ़नी है. ओके, सो हिस्टोलॉजी के अंदर बेसिकली क्या है कि पहली बार पढ़ेंगे ना आप, तो बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे लेयर्स, सो ऐसे थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होगी. तो मेरे पास एक बुक है, लाइक नीलकंठ बी कोटे ऑथर का नाम है. ओके, तो उस बुक में थोड़ा सा अच्छे से मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है ना, तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर अगर इंद्रबीर सिंह पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो परचेज आपको करनी है तो आप इंद्रबीर सिंह कर सकते हैं. ओके, नाउ हिस्टोलॉजी कदम एंड जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर कोई बुक परचेज नहीं भी करते हो तो चलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी से आपको वो बुक मिल जाएगी और उसमें उतना डीप नहीं होता है मतलब, तो चलेगा. बुक कोई परचेज नहीं करोगे, किसी की नोट्स भी ले लोगे तो चलेगा. ओके, सो ये खत्म. नाउ बायोकेमिस्ट्री के बारे में. सो बायोकेमिस्ट्री के अंदर दो बुक्स, सत्यनारायण एंड द वासुदेवन. ओके, सो दोनों ही बुक अच्छी है, उसमें भी सेम. एंड हाँ, कुछ टॉपिक्स जो है वो वासुदेवन में नहीं है तो वो सत्यनारायण में है. कुछ सत्यनारायण में अच्छे है, कुछ वासुदेवन में अच्छे है, ऐसा है. उनमें से कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ कम टू द फिजियोलॉजी. सो फिजियोलॉजी में इंदु खुराना अच्छी बुक है, प्रीफर कर सकते हैं. ओके, और हाँ, इंदु खुराना के अंदर आप अगर क्या है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मतलब ऐसे थोड़े वर्ड्स नए आएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत रहेगी समझने के अंदर. सो आप क्या करो, सेम्बुलिंगम की PDF ले लो और उसकी PDF से थोड़ा सा बेसिक पॉइंट पहले पढ़ लो, फिर इंदु खुराना से पढ़ो, तो थोड़ा समझने में ज़्यादा आसान रहेगा. सो उसमें इंदु खुराना को परचेज करना है. ओके, नाउ फिजियोलॉजी ख़त्म. अब बात करता हूँ मैं रेफरेंस बुक. तो रेफरेंस बुक क्या है, मतलब रेफरेंस बुक वो बुक्स है कि जो आप अगर मेन जो आप ये जो मैंने पहले बताई आगे बुक्स उसके साथ पढ़ सकते हैं. और रेफरेंस बुक के अंदर मतलब कंटेंट बहुत अच्छे से ज़्यादा दिया हुआ है एंड ऐसे मतलब बहुत सारा डीप में उसमें दिया हुआ है, तो आप वो अगर पढ़ते हैं तो अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको उससे. सो उसमें क्या और कब पढ़नी है वो बुक, तो वो आप बुक फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, अगर आपके पास वैकेशन है कोई भी. ओके, लाइक दिवाली वैकेशन एंड ऑल दैट, सो उसमें आप पढ़ सकते हो वो बुक्स, और स्टडी के साथ साथ भी ऐसे देख सकते हो कुछ टॉपिक्स नहीं आते तो. ओके, नाउ एनाटॉमी के लिए बुक्स जो है रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, वो ग्रेज एनाटॉमी एंड एक स्नेल्स एनाटॉमी क्लिनिकल,
वो दो बुक आप यूज कर सकते हो। नाउ ग्रेज एनाटॉमी के अंदर क्या है, दो पार्ट, एक मेन होती है ग्रेज एनाटॉमी, एक फॉर स्टूडेंट कंसल्ट, सो वो भी आप दोनों यूज कर सकते हो। एक्चुअली में वो जो बुक्स है उन बुक्स की प्राइस बहुत हाई होती है, ओके सो आप बेटर है कि आप पीडीएफ के अंदर रखें और पीडीएफ से पढ़े, और कभी ज़रूरत पड़े तब पीडीएफ से पढ़े, ओके और बाकी तो जो मैंने आगे बताई है वो बुक्स अच्छी ही है, ओके। नाउ बायोकेम के अंदर देखते हैं अगर रेफरेंस बुक, तो एक होता है हार्पर एंड लिपिन कोट, वो दो बुक्स पढ़ सकते हो। उन दोनों में क्या है, चार्ट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं एंड टॉपिक्स बहुत ऐसे डीप समझाया हुआ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप नोट्स बना रहे हो तो चार्ट्स उसमें से ड्रॉ कर सकते हो, ओके ये दो बुक रेफरेंस बुक। एंड फिजियोलॉजी के अंदर रेफरेंस बुक देखे तो एक होती है गाइटन एंड हॉल एंड गेनोंग, ओके तो गाइटन एंड हॉल मोस्टली सब लोग आपको प्रीफर करेंगे, वो गाइटन एंड हॉल ही प्रीफर करेंगे फर्स्ट, बट हाँ आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते कोई भी बुक, बट क्या है कि आप अभी ट्वेल्थ पास करके आए हो, नीट देकर आए हो, तो आपको ना थोड़े ऐसे नए वर्ड्स आएंगे, तो उससे आपको समझने में दिक्कत होगी, याद रखने में भी दिक्कत होगी, ओके सो ऐसे में ही आप शुरू शुरू के अंदर अगर गाइटन एंड हॉल एंड ग्रेज एनाटॉमी एंड हार्पर एंड वो सब बुक पढ़ने लगे तो क्या होगा कि आपको फिर टेंशन होने लगेगा, ओके कि बहुत उसमें हार्ड वर्ड्स दिए हुए, मतलब पहले ही आप थोड़ा बेसिक पढ़ लो फिर वो पढ़ो तो अच्छा रहेगा, ओके एक्चुअली आई एम टेलिंग दैट, ओके सो गाइटन एंड हॉल फिजियो में ऑन गेनोंग पढ़ सकते हो, ओके उसमें भी बहुत अच्छे से डायग्राम सब सिस्टम्स अच्छे से समझाया हुआ है, ओके मैकेनिज्म सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, ओके सो आप इन बुक्स को प्रीफर कर सकते हो। एंड ऑल्सो एट लास्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ऑल दैट, वहाँ पे मैं कुछ ऐसे मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट लिख के डालता हूँ। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट, ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।